चलिए फिर अब शो शुरु की शुरुआत करते हैं और आ, आज मैं एक जो थीम लेकर चल रहा हूँ वो है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी क्योंकि जो कि हम ऑल टाइम हाई पर हैं आ, कल वैसे खैर इन सबसे अलग रिलायंस ने सपोर्ट किया था मार्केट को लेकिन इस महीने निफ्टी बैंक करीब करीब तीन परसेंट ऊपर है निफ्टी आईटी सिर्फ आधा परसेंट ऊपर है और कल का भी अगर आप एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आए निफ्टी आई का तो कल निफ्टी आई आखिरी के एक घंटे में कोलेप्स uh, हुआ था uh, ये uh, कल निफ्टी uh, आईटी uh, का मूव uh, और uh, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है इनफैक्ट टी सी एस और रख दीजिए साथ में साइड में तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा टी सी एस कल किस तरीके से आखिरी के एक घंटे में जो थोड़ा सा कोलेप्स हुआ दो बजे डे हाई पर था और एंड डे लो पर हुआ तो ये इस तरीके का एक बस एक इशू आ रहा है आई स्टॉक्स में आज निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से फोकस में रहेगा दो कारणों से एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और दूसरा आज एक्सिस बैंक में वो ब्लॉक डील होनी है जो हमने डिस्कस किया और मुझे लग रहा है कि आज एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिलना चाहिए आ, बैंक निफ्टी का क्योंकि ये ब्लॉक डील जो है मोस्ट लाइकली विंडो में होगी प्लस करंट प्राइस पे हो रही है एक हज़ार इकहत्तर से एक हज़ार छिहत्तर तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा एक क्लीन आउट ट्रेड एक्सिस बैंक में आज पॉसिबल है और कल बैंक निफ्टी ने अपना प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई हिट करा ऑल टाइम इंटर डे हाई ऑल टाइम क्लोजिंग हाई तो एक अनफिनिश्ड बिज़नेस था वो भी बाहर निकला तो जैसे कहते हैं ना जो वो सेंचुरी मार के आप थोड़े फ्री हो जाते हैं तो वो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा फ्री हो गया और अब पचास हज़ार की तरफ चलना शायद शुरू किया है ध्यान रखिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये पोजिशनल बात कर रहा हूँ पचास हज़ार और टू थ्री फोर फाइव सिक्स पोजिशनल व्यूज़ हैं इंटर में नहीं है इंटर में, में में आज मेरा व्यू थोड़ा अलग है थोड़ा कॉशस है और निफ्टी आई में जो अगली अगला मूव है तेज़ी नहीं अगला मूव है जो भी हो तेज़ी है मंदी जो भी हो वो टी सी एस के नंबर्स के बाद ही आएगी तो इसके लिए प, आ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है आई टी बैंक आई टी वर्सेज बैंक थोड़े सा आई टी नरम पड़ता हुआ कल के सेशन में और बैंक ने कल अपने जो पहले के प्रीवियस वीक्स थे उनको कॉन्कर दिया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कल निफ्टी बैंक जड़ता हुआ नजर आया निफ्टी तो खैर सिलसिला कब से कंटिन्यू कर ही रहा था भी आ उस कड़ी में। अब आज के सेशन की बातचीत डिटेल में समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट दिन है, है हमने बहुत सारी फेस्टिविटीज देश भर में मनाई जा रही हैं गुड़ी पड़वा के चलते है आज बैंक हॉलीडे बैंक बंद है तो सेटलमेंट हॉलीडे बैंक बंद हैं तो करेंसी मार्केट बंद है, ये रखना है आज के लिए पर संकेत ठीक है बढ़िया है गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मंगलवार के दिन 90 पॉइंट के गैप के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे एक तिहाई से एक तिहाई फीसदी से ज्यादा का उछाल प्लीज क्विकली रखिए एशियाई प्यीन पे आज सुबह से लार्जली एशिया फ्लैट या बढ़िया इन ग्रीन ही काम काज कर रहा है तो एशिया से संकेत ठीक ठाक है यूएस का हैंड ओवर फ्लैटिश है शायद हो सकता है परसों परसों मतलब फ्राइडे को सवा परसेंट तक के गेंस आए थे तो उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा हूं

अब चूँकि बड़ा इवेंट कोई बचा नहीं है अब इन्फ्लेशन का इंतज़ार है और उसके बाद फिर फ्राइडे से वहाँ भी जल्द से शुरू हो रहे हैं तो मार्केट उसी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट अभी भी कॉन्फिडेंट है आगे के फ्यूचर्स को देखते हुए इसलिए वो गिर भी नहीं रहा है ना ही चल रहा है लेकिन जो मैंने सुबह भी ज़िक्र किया था कि जैसे बाउंड काफ़ी ऊपर गई है उसको उसको लग रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी एकदम हीटअप हो रही है उससे आगे जाते हो रेट पर दिक्कत आएगी तो बाउंडल्ड ऊपर गई अभी भी 91 के आसपास बना हुआ है गोल्ड लगातार बढ़ता ही जा रहा है वो तो रुक ही नहीं रहा है इस बीच जो मैं जिक्र कर रहा था इंटरेस्टिंग जो वेल्स फार्गो की रिपोर्ट है ना उसको डिकॉर्ड करना चाहिए वो बेरिश था वो छियालीस सौ का टारगेट इस साल के लेके चल रहा था अब वो पचपन सौ का टारगेट लेके चल रहा है एक हज़ार पॉइंट का हालांकि भाव को चेज किया उन्होंने फिर भी ईयर एंड के लिए उन्होंने तीन सौ पॉइंट और ऊपर की रैली दी है उसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हैं कि ए आई ड्रिवन रैली जो बन रही है पूरी इकोनॉमी को चेंज कर रही है दूसरा उन्होंने कहा है कि रेट कट का सीज़न अब शुरू होने वाला है कब होगा ये जुलाई में होगा या जून में होगा या सितंबर में होगा मैटर तो है ये दोनों जो है ना सस्ती ब्याज दरें और ए आई जो इकॉनमी में चेंज हो रहा है इससे इकॉनॉमी में बहुत बड़ा तेज़ी आएगी और आपको वैल्यूशन देखने के मैट्रिक्स बदलने पड़ सकते हैं तो इसलिए यू की इस रिपोर्ट को मैं काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि संकेत आज भी आप पॉजिटिव मान के चलिए कोई ऐसी चिंता दिक्कत की बात नहीं है बावजूद इसके कि बाउंड्रियल काफ़ी ऊपर है तो अब देखते कैसे आउट होता है अभी इन्फ्लेशन और नंबर्स वंबर्स पर ज़्यादा मार्केट रिएक्ट करेगा तो रियल रिएक्शन आपको फ्राइडे को जब शाम को रिज़ल्ट आएंगे जेपी मॉर्गन वेल्स फार्गो सिटी वगैरह सब बैंकों के तो मंडे को आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा कि उनको मार्केट ने कैसे लिया हालाँकि अनुमान सब के बहुत अच्छे रिजल्ट आने के सारे बैंक अच्छे भी अपना क्या हाँ। बढ़िया क्वार्टरली अपडेट आ रहा है exactly. अभी तक तो जितने तो नहीं नहीं। हाँ। तो नहीं दिखी नहीं रही हमारे बैंक <laughs> अपडेट अच्छे निफ्टी बैंक बढ़िया मूव दिखाता हुआ सब ठीक है ऐसे में सेटअप समझ लेते हैं उसके बाद आज के कुछ हिंट्स तो आ गए का मूड कैसा रहने वाला है लेकिन पहले सेटअप समझा जाए कैसा लग रहा है देखिए जब भी सब चीज़ें पॉजिटिव हों मैं थोड़ा सा कोशिश रहता जाता हूँ मेरा व्यू बहुत क्लियर होता है जब मतलब ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव हो यहाँ का लोकल क्यूज़ पॉजिटिव हो एफ आई बाइंग है डी आई बाइंग बड़ी हो इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हो मैं कोशिश हो तो। जाता हूँ सेटअप आज ओवरबॉट है मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आज इंट्राडे में आपको एक बड़ी ट्रेड शॉर्ट साइड पर मिलेगी इंट्राडे में प्योरली इंट्राडे में और उसका कारण बताता हूँ मैं आपको क्योंकि सेटअप काफ़ी ओवरबॉट है और अगर ये चीज़ मैं पढ़ पा रहा हूँ तो जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो भी पढ़ पा रहे होंगे mm. और इसके लिए कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है डी ने कल बड़ी बाइंग की साढ़े तीन हज़ार करोड़ की एफ की सेलिंग थोड़ी कम थी सात सौ करोड़ की तो इंस्टीट्यूशंस नेट नेट काफ़ी पैसा झोंक रहे हैं मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखिए आप बारह करोड़ की कल ये एक बार्स आ गया आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स फ्यूचर्स में कल बारह तिरसठ करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 623 करोड़ की बाइंग हुई mm. मैं हमेशा बोलता हूँ जब दोनों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग हो तो अगले दिन नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क होता है प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क होता है और उसमें आप देखिए लॉन्ग और शॉर्ट बैंक निफ्टी में सेवेंटी करोड़ की बाइंग हुई निफ्टी फ्यूचर्स में ग्यारह करोड़ की बाइंग हुई और उसमें आप देखिए जो अगला डेटा पॉइंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग अगले तीन डेटा पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है पहला लॉन्ग 10,349 जुड़े अब हम आगे 45 परसेंट लॉन्ग पर शॉर्ट कटे 1205 अब हम आगे 55 परसेंट शॉर्ट पर अब इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्ट्स बचे नहीं है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना तो पहला डेटा पॉइंट ये हो गया दूसरा इंडिया विक्स हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस इंडिया विक्स पर थोड़ा सा एक एक्सीडेंट का एक 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 रिस्क होता है इलेवन पर हैं हम कल थोड़ा सा बढ़े हैं हम इंडिया विक्स नॉर्मली मार्केट अगर चले और इंडिया विक्स बढ़े तो अगले दिन के लिए वो थोड़ा सा कॉशियस साइन होता है ये एक और रीजन हो गया और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पुटकॉल रेशो लेकर आइए 1.29 पर आ गया है पुटकॉल रेशो वर्स वन पॉइंट और आज अगर और सौ पॉइंट का गैप अप हो गया जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है अगर हो गया तो यह पुटकॉल रेशो पहुंच जाएगा करीब करीब 1.4 1.45 पॉइंट मे बी इवन 1.5 उस जोन पर बाय बिल्कुल नहीं बनता है इसके लिए मैं कह रहा हूं हाँ बस एक चीज़ है कि बैन में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं आए तीन ही स्टॉक्स हैं और एक बाहर हो गया हिंदुस्तान कॉपर जो हमने कल क्लोजिंग में डिस्कस भी किया था कि बैन से एक स्टॉक बाहर निकलेगा तो वो बाहर आया बैन से हिंदुस्तान कॉपर लेकिन नेट नेट आज सेटअप जो है ना वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है और मार्केट के पास कोई बड़ा मैक्रो क्यों नहीं है कि इस ओवरबॉट मार्केट में गैप अप के बाद सस्टेन करें तो इसके लिए मेरा एक व्यू है देखिए पोजिशनली हम आशीष लॉन्ग रहे हैं और हमारा एक व्यू रहा है कि पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए क्योंकि लोग इंट्राडे में भी एक कुछ मूव चाहते हैं तो इंट्रा डे के लिए बोल रहा हूँ इंटर डे में आज गैप अप के बाद ना आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब है क्योंकि चलने को पचास सौ पॉइंट गिरने को डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा कॉशिश हूं बहुत टाइम के बाद में इंट्राडे में थोड़ा सा कॉशिस हो हूँ बिल्कुल ठीक <coughs> तो गैप के बाद जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी उस गैप को चेज करने का लॉजिक नजर नहीं आता तो बेहतर होगा अगर आपने पोजिशनली मोमेंटम को इंजॉय है तो आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधा जाए तो ऐसे में आप निफ्टी की डिटेलिंग भी उतर आते हैं ना लाइए निफ्टी को स्क्रीन पर यह है बाईस छ का क्लोज नब्बे पॉइंट सौ पॉइंट ऊपर हम वाकई उस पॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं बाईस आठ सौ जो आपका वो आर टू था हाँ

पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो बने रहें वो जैसे मैंने कहा था बाईस पाँच सौ पचास का स्टॉप लॉस कर लें मैंने जो एक जो एक लाइन में तेईस पाँच सौ पचास लिखा हुआ है उसको उसको चेंज कर दीजिएगा बाईस पाँच सौ पचास होना चाहिएगा वो लेवल तो बाईस सात सौ पचास से बाईस आठ सौ के जोन में एक बार स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करें नई बाइंग कहाँ करनी है आपको बाईस सात सौ पचास से बाईस आठ सौ नई बाइंग के लिए जोन सही नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी रजिस्टेंस है यहाँ पर 22,800 पर मंथली कॉल ऑप्शन का बेस है यहाँ पर और ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा 22,800 और अगर 22,800 के ऊपर अगर आप टिकने लगे तो 23,000 पॉसिबल है तो उसके लिए लेकिन 22,800 के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा और टिकने का मतलब आधा एक घंटा टिक टिकें तब शायद वो आपको इंडिकेशन देगा कि हम तैयार हैं तेईस की तरफ जाने के लिए लेकिन मेरे ख्याल से इंटरा में डिप आने दें और डिप जहाँ ख़त्म हो केयरफुली डिप जहाँ ख़त्म हो ये सैडजी हमने तीन चार दिन पहले भी यूज़ की थी डिप जहाँ ख़त्म हो वहाँ पर बाय कर लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में बाईस हज़ार पाँच सौ पचास का इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा बाईस हज़ार छः सौ रुपये ले लिया और बाईस पाँच सौ पचास का स्टॉपलॉस लगा लिया मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ फिर सुन लीजिए डिप का वेट करिए डिप खत्म होने दीजिए भले ही वो डिप चाहे बाईस पाँच सौ बीस तक भी चली जाए डिप खत्म होने दीजिए एक ग्रीन बार बनने दीजिए उसके बाद लीजिए और वो स्टॉपलॉस बाईस पाँच सौ पचास का अभी नोशनल है लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर वो डिप खत्म हो उसके हिसाब से सिंपल तो आज थोड़ा आपको पेशेंस रखनी होगी आज अगर डिप नहीं मिली ना तो गावा सर कहते हैं छोड़ देंगे ट्रेड को आज में ट्रेड नहीं है छोड़ देंगे ट्रेड को नहीं मिली तो वैसे खैर डी माइनस वन है तो कई बार डी माइनस वन में ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं लेकिन मेरा व्यू है आज की आज आपके पास कोई मैक्रो ट्रिगर नहीं है जो आपको ले जा सके ऊपर तो डिप का वेट करें डिप खत्म हो वहां पर बाय करें एक स्टॉप लॉस के साथ पहली बार में इस स्विंग में ये वर्ड यूज कर रहा हूँ और बहुत नाप तोल के वर्ड यूज़ कर रहा हूं अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और प्योरली इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडर तो आज बाईस सात सौ पचास से बाईस आठ सौ की जोन में शॉर्ट करने की कोशिश करिए अगर लग रहा है आपको कि वहां रिजेक्शन आ रहा है और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में बाईस आठ सौ पचास का आज अगर आपके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अच्छी है ना आशीष तो वो ये वाली ट्रेड है क्यों क्योंकि इसमें रिस्क है आपका पचास साठ पॉइंट का रिवॉर्ड है आपका इसमें करीब करीब 200 पॉइंट का इस जोन में से एक बार फिस तो आप वापस एक बार बाईस पाँच सौ पचास बाईस छः सौ तक जा सकते हैं ठीक है ना तो इसके लिए लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये ट्रेड सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है और ये ट्रेड सिर्फ इंट्राडे में है क्योंकि मार्केट ओवरब्रॉड है मार्केट का टेक्स्चर वैसे बहुत मजबूत है इवेंचुअली मार्केट जा रहा है टू थ्री फोर फाइव फो, सिक्स फो, 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 पर और वो पहला वोट मतलब वो काउंटिंग से पहले टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिखना चाहिए हमको वो मेरा व्यू इंटैक्ट है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज के डेटेडर्स की आज के डेटेडर्स प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली करें उस जोन में और इवन शॉर्टिंग की एक बार ट्राई करें इंटर में क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना आपको अच्छे खासे सौ सवा सौ पॉइंट दे देगी वो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा अपने आप को ट्विक कर रहा हूँ प्योरली इंटरडे में बढ़िया है ये है फिर आज के गैप के बाद कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहा है और कैसे लोअर लेवल्स पर क्या इंडिकेशंस होंगे जब आप एक बाइंग की तैयारी कर सकते हैं क्या, पे होंगे गाइड करने के लिए लेकिन फिर भी ये हमारी सुबह की मॉर्निंग की तैयारी हो गई क्या वॉच आउट करना है निफ्टी पे निफ्टी बैंक कल नए रिकॉर्ड जड़ डाले फाइनली इस बेंचमार्क ने आज खबरों में एक्सिस बैंक हेडलाइन प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है बेन कैपिटल माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है ऊपर से आज मंगलवार है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है फिन निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेबल जो है वो तो बैंक ही तो कई रीजन से आज निफ्टी बैंक रडार पे है। हमने बहुत अच्छी तरीके से मूव्स एंजॉय करे जब ये कई बार मेंशन हुआ निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी yeah. निफ्टी बैंक हैज एन एज और देखिए क्या रिकॉर्ड जड़ी दी उसने फाइनली क्या करना है अब बिल्कुल रिकॉर्ड जड़ दिए यहाँ पर आ, आज पहली रेजिस्टेंस yeah. है आपकी एक ही रेजिस्टेंस है एक्चुअली फोर्टी एट की ओके okay. वो ऑप्शन के हिसाब से कल का हाई भी फोर्टी का था आ, बड़ी रेजिस्टेंस आएगी फिर उसके बाद फोर्टी नाइन थाउजेंड क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क है कोई भी इवन नंबर थाउजेंड पॉइंट वाला बैंक निफ्टी के लिए हमेशा थोड़ा सा टफ होता है तो फोर्टी एट एट हंड्रेड फोर्टी नाइन थाउजेंड अगेन फोर्टी एट एट हंड्रेड टू फोर्टी नाइन थाउजेंड जोन नहीं है बैंक निफ्टी में बाय करने का ठीक है और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है फोर्टी एट थ्री हंड्रेड टू फोर्टी एट फाइव हंड्रेड है एक सपोर्ट जोन आपका ऑप्शन के हिसाब से यही है बाय जोन फोर्टी एट थ्री हंड्रेड टू फोर्टी एट फोर हंड्रेड के आसपास अगर आपको मिल जाए किसी कारण से मिल जाए किसी कारण से मिल जाए कोई कारण से डिप आ जाए हो सकता है एच डी एफ सी बैंक की वजह से आ जाए हो सकता है कोटक की वजह से आ जाए किसी वजह से आ जाए तो वो एक बाय जोन होगा फोर्टी एट टू हंड्रेड के स्टॉप लॉस के साथ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए प्योरली इंटरडे में आज सेल ट्रेड भी है फोर्टी एट एट हंड्रेड टू फोर्टी एट नाइन हंड्रेड के जोन में वो सेल ट्रेड है स्टॉप लॉस फोर्टी नाइन थाउजेंड का ध्यान रखिए अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो आज मैंने शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो दोनों के दोनों अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए प्योरली इंटर डे ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड चेस करने वालों के लिए और एक चीज मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ये ट्रेड ना प्ले आउट हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड बनती है नहीं चली तो बैड लक हल्का सा सा तो छोटा अच्छा निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी जो गैप दिख रहा है ज्यादा कैरिडे ना हो प्रॉफिट टेकिंग का मान बाय डिप्स का ट्रेक्चर जस का खरीदारी करने के नीचे की तरफ भारतीय बाजार फिर से मौके देगा बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें